स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। किस संस्था को हु से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए PGIMAR, बी IIT बेंगलुरु, सी निमहंस, डी एम्स। आंसर सी निमहंस। एक्सप्लेनेशन: भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहांस बेंगलुरु को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न: किस संगठन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन EV सूचकांक लॉन्च किया? ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सी IRDAI, डी SEBI। आंसर ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक्सप्लेनेशन: भारतीय शेयर बाजार NSE की एक इकाई NSE इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स लॉन्च किया है। इस इंडेक्स का नाम निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स है। यह इंडेक्स इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों और नई तकनीक वाली गाड़ियों और इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा। अगला प्रश्न: किस देश में विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया गया है? ए चीन, बी जापान, सी USA, डी जर्मनी। आंसर बी जापान। एक्सप्लेनेशन: दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जापानी शोधकर्ताओं द्वारा बनाया गया है, जिन्होंने कहा कि उनके छोटे घनाकार यान जिसका नाम लिग्नोसेट है, इसे मैग्नोलिया लकड़ी से तैयार किया गया है तथा किसी भी पेंच या गोंद का उपयोग करने की बजाय पारंपरिक जापानी लकड़ी की तकनीक का उपयोग किया गया है। इसे सितंबर में SpaceX रॉकेट पर उड़ा दिया जाएगा। क्योटो विश्वविद्यालय और लॉगन कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित प्रायोगिक उपग्रह के प्रत्येक पक्ष की माप केवल 10 सेंटीमीटर 4 इंच है। अगला प्रश्न: भारत में किस मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया गया? ए सिक्किम, बी कौमिक, सी किब्बर, डी टशीगन। आंसर डी टशीगन। एक्सप्लेनेशन: हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्व का सबसे ऊंचा 15,256 फुट की ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र टशीगन में इस बार विधानसभा उपचुनाव व मंडी लोकसभा सीट के लिए एक साथ मतदान हुआ। चीन सीमा से 10 किलोमीटर दूर ये मतदान केंद्र है। इससे पहले स्पीति का सिक्किम सबसे ऊंचा मतदान केंद्र था। टशीगन मतदान केंद्र पहली बार साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्थापित किया गया था। इस केंद्र पर 100% मतदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। टशीगन मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था, ऐसे में सभी मतदाताओं का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। यहां मतदाताओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। अगला प्रश्न: भारत में सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की नई अधिकतम सीमा क्या है? ए 10 लाख रुपए, बी 15 लाख रुपए, सी 20 लाख रुपए, डी 25 लाख रुपए। आंसर डी 25 लाख रुपए। एक्सप्लेनेशन: पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग डॉपो ने महंगाई भत्ते की दर 50% तक पहुंचने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने के निर्देश जारी किए हैं।